तो लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सत्ता पक्ष पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, किसी कोर्ट ने, चुनाव आयोग ने कुछ नहीं कहा, यहाँ कोई लोकतंत्र नहीं है। इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का असहाय बनाकर केंद्र सरकार फ्री और फेयर चुनाव की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जिस चुनावी चंदा बॉन्ड को इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, उस स्कीम के तहत मौजूदा सत्ताधारी दल ने हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा अपने अकाउंट में भर लिया है। इंस्टीट्यूशंस हैं जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और ये कहना के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और भारतीय जनता पार्टी यानी केंद्र पर निशाना साधा है, उसको लेकर अब भाजपा का भी रिएक्शन सामने आया है। क्या कुछ भाजपा की ओर से रिएक्शन सामने आया, चलिए सुनाते हैं। अल्प ज्ञान समस्या पैदा करता है। राहुल गांधी जी राजनीतिक विषयों पर कितना होमवर्क करते हैं तो आप जानते ही हैं, लेकिन कानूनी विषयों पर भी जब बोलते हैं तो थोड़ी चिंता हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट का एक सेक्शन 13A है जिसमें सही है कि पार्टियों पर इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन पार्टी को अपना रिटर्न हर साल फाइल करना पड़ता है, जिसमें बताना पड़ता है कि 20,000 तक कितने हमारे डोनर्स हैं, 20,000 से ऊपर कितने डोनर्स हैं। और अगर आपने ये नहीं फाइल किया हर असेसमेंट ईयर में तो आपका ये एग्जम्पशन खत्म हो जाता है। ये है सेक्शन 13A। Let me repeat, under the Income Tax Act Section 13A, there is a clear provision that the political party is exempted from income tax, provided they file their return every year as to how much money has come of 20,000 rupees and duly certified auditor's report as to how much they have received from big donation. If you don't do it, you lose that exemption. ये बहुत बेसिक चीज है जिसको समझना चाहिए। अब थोड़ा हम आपको बता दें कि ये जो चिल्ला रहे हैं 6/7/21 को असेसमेंट ईयर 18-19 के लिए ऑर्डर पास हुआ कि उन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया था, तो रिटर्न फाइल नहीं किया तो एग्जम्पशन खत्म हो गया। एग्जम्पशन खत्म हो गया तो 105,17,29,635 रुपए का डिमांड रखा गया। और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट में धारा 220, धारा 221 में इस बात का पूरा प्रावधान है, कलेक्शन एंड रिकवरी 10 सेक्शन है। कैसे कलेक्शन होगा, कैसे रिकवरी होगी, सर्टिफिकेट होगा, पेनाल्टी लगेगी, मैं पढ़ नहीं रहा हूं, पर देयर इज अ इनबिल्ट मैकेनिज्म, तो उसका टैक्स का प्रोसेस है। आईटीओ ने नहीं किया तो आप अपील में जाएंगे, अपील ने नहीं किया तो आप कमिश्नर के यहां जाएंगे, कमिश्नर ने नहीं किया तो आप ट्राइब्यूनल में जाएंगे, ट्राइब्यूनल नहीं किया आप हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कांग्रेस के आरोपों को साधते हुए और उस पर अपनी बात करते हुए नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना होगा क्या कुछ इस पूरे मसले का हल निकलता है।